हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका स्टेट का लास्ट टॉपिक होने वाला है। आपको जो भी लेक्चर मतलब जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों, आप उसे अच्छे से स्टडी कीजिए ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, मैंने बच्चों क्वेश्चन लिख दिया है, बोला है कि आपको निम्न सूचना पर से चलित औसत की विधि से झुकाव ज्ञात करना है। तो आपको वर्ष का दे रखा है और वाई दे रखा है, 5 वर्ष के लिए है और उसका हमें औसत निकालना है झुकाव। तो आपको पता होगा मेरे बच्चों कि औसत ज्ञात करने के लिए चलित औसत की विधि में 2 विधि होती है। मतलब एक आपका जब n इक्वल टू जब क्वेश्चन सम में बोला हो विषम में बोला हो, जब विषम में बोला होता है तो हम लोग डायरेक्टली सिंपल औसत निकालते हैं, उसका योग निकालते हैं और औसत निकालते हैं। लेकिन जब सम दिया होता है तो थोड़ा हम लोग उसे टुकड़ों टुकड़ों में मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करके उसका आंसर निकालते हैं ना। तो आप लोगों ने स्टडी किया होगा, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो पहले से आपको बना दिया गया है क्वेश्चन नंबर मतलब चैप्टर फोर है ना, यहाँ 4-5 जो भी हो उसमें आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जो सॉल्व करते हैं इसे। तो 5 वर्ष का चलित योग हम लोग कैसे निकालते हैं, जब चलित योग हम लोग निकालते हैं तो आपका जो योग होता है बीच में लिखते हैं, मतलब 2 ऊपर का 2 नीचे का बीच में उसकी वैल्यू आती है। तो ध्यान दो, तो इसमें चलित योग पॉसिबल है, 2 ऊपर तो है ही नहीं, तो नहीं पॉसिबल है। इसमें 2 ऊपर हैं, एक ही है, नहीं पॉसिबल है। 119 का पॉसिबल है, पॉसिबल है कैसे, क्योंकि 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, वहाँ बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो 115, 121, 119, 120, 117। ठीक है, टोटल कर दो, 115, 121, 117। इसका टोटल करो बच्चों, क्या हो रहा है, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? 115, 121, 119, 120, 117, 592। वही मैं सोच इतना लंबा चौड़ा आंसर क्यों आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे 2 ऊपर 2 नीचे, तो क्या आएगा आपका 121, 119, 120, 117 और 119। ठीक है, जो हम लोग पहले लिख लेते हैं उसके बाद ऐड करेंगे सब एक साथ। ठीक है, अब यहाँ पे करना है 2 ऊपर 2 नीचे, तो क्या होगा 119 और 120। ठीक है, फिर 117, 119, 120। इसका निकालते हैं 120, 117, 119, 120, 118। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। 120 में निकालते हैं 2 ऊपर 2 नीचे, 117, 119, 120, 118, 116। ठीक है, 18 निकालते हैं पॉसिबल है, तो 119
120, 118, 16, 124, ठीक है। 16 में देखो, दो ऊपर दो नीचे पॉसिबल इसका भी, 16 मतलब 120 प्लस 118 116 124 125, ठीक है। अब नीचे पॉसिबल नहीं क्योंकि दो ऊपर दो है लेकिन दो नीचे नहीं है, मतलब ऊपर का दो नीचे का दो कैंसिल, ठीक है। ऐड करते चलो। चलो एक काम करेंगे, तो 592 भागे 5 मतलब औसत निकालना है, चल भाई कैसी राम 592 भागे 5 कितना आएगा, 118.4, ठीक है। इसे ऐड कर दीजिए, 121, 119, 120, 117, 119, 596 या 596 भागे 5 119.2, ठीक है। इसे ऐड करो, 119, 120, 117, 119, 120, 595, 595 भागे 5 119, ठीक है। इसे ऐड करो, 120, 117, 119, 120, 118, 594, 94 भागे 5 118.8। इसे सॉल्व करो, 117, 119, 120, 118, 116, 590, 590 भागे 5 118, 119, 120। आपको बच्चों से कैसे चलाना है चलाते रहो, 119, 120, 118, 116, 124, 597, 597 भागे 5 119.4, 120, 118, 116, 124, 125, 603, 603 भागे 5 120.6, ठीक है। कंप्लीट। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना है, बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। कैलकुलेशन ध्यान रखना, और आपको जैसे बुक में बताया कि बुक के मेथड्स नहीं करना, ऐसा सबसे बेस्ट मेथड है, ओके। थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना, कोई अंक गलत नहीं टीपना है, तो ऐसे मिटा दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्रमांक सहसंबंध निकालना है, ठीक है। तो आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महत्तम तापमान और आइसक्रीम की बिक्री दे रखा है, ठीक है। तो महत्तम तापमान को मैं आरएच मानूंगा, 35, 42, 40, 39, 44, 39, 44, 40, 45 और 40, ठीक है। हमें आर वाई दे रखा है, मतलब सॉरी आपको एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, 600, 680,
750, 630, 920, 750, 900 और 720, ठीक है। आर एक्स आर वाई, ठीक है। और मैं डायरेक्ट यहाँ डी स्क्वायर निकाल दे रहा हूँ, मतलब आर एक्स माइनस आर वाई का स्क्वायर कर लेना, ठीक है। आ लोग चाहो एक स्टेप और निकाल सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट निकालूँगा, मुझे जल्दी करना है इसलिए। चलो रैंक देते हैं सबको। स्टार ग्रुप आप लोग रैंक देना, ठीक है। आर एक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा कहाँ है पे आपका 35, 35 बाद क्या है आपका 39, इसे 2, 39 बाद क्या है 40, 3, मतलब देखो 40 की नहीं बार आ रहा है, 1 2 3, तो रैंक क्या देंगे हम लोग उसे 3 4 5 डिवाइड बाय 3, कि नहीं आएगा आपका 4 4 4 4, ठीक है। इसे भी फोड़ देंगे, इसे भी फोड़ देंगे और इसे भी फोड़ देंगे, ठीक है। जब भी आपका सेम आता है तो हम लोग क्रम देते रहेंगे उसका, हम लोग मतलब माध्य निकाल कर सोल्व करते हैं, देखो कैसे। क्योंकि जो 40 इसे हम लोग क्या देते हैं 3, एक और 40 उसे 4 और एक और 40 उसे 5 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो 3 4 5 डिवाइड बाय 3, 4 4 4, ठीक है, ध्यान रखना। अब हमें छठा रैंक किसे देंगे, 40 के बाद बड़ा कौन है 42, हाँ तो उसे क्या देंगे हम लोग 6, क्योंकि 5 हमने दे दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना 6, फिर 44, 7 और ये 45 को 8, कंप्लीट। आर वाई की छोड़ रैंक देते हैं, सबसे छोटू सूच है यहाँ पे 600, 2, फिर 3 किसे देंगे 630 के बाद बड़ा क्या आपका ये 3, 680 के बाद क्या आएगा आपका 720, मतलब 4 और 5 ना, दो बार है 4, एक ही बार है, मतलब ये 4 होगा, वो 1 2 3 ये 4 होगा। 5 किसे देंगे, हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं, 5 5 5, 750 750, दो बार, मतलब 5 और 6 डिवाइड बाय 2, 5.5, ये भी हो गया, ये 5 और 6 हो गए, ठीक है। अब 7 किसे दोगे, इस भाई साहब को, और 8 देंगे इसको। जो सबको रैंक दे दिए, अब स्क्वायर डायरेक्ट में निकालेंगे, एक में 6 दिया उसका स्क्वायर है 0, 6 में से 3 दिया 3 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 में से 5 1 माइनस 1 माइनस 1.5, फिर -1.5 का स्क्वायर निकालोगे 2.25, ठीक है। 2 का 0, 7 का 8 गया 1, फिर यहाँ भी 1.5 आएगा, 15 2.5 2.25, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 0, ठीक है। ऐड कर दो 9 2.25, 1 2.25, 1,
क्या हुआ भाई लोग, 4-5.5, हाउ वुड इट पॉसिबल? हम लोग एकदम सही किए ना कैलकुलेशन, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? कुछ गड़बड़ी होगा बच्चों तो आप लोग इसके जिम्मेदार नहीं होंगे, नहीं होगा, जो होगा जो भगवान जाने। ठीक है, मैंने अपने अनुसार सही दिया है, आप लोग ध्यान रखना। सॉल्व करते हैं, 9, 2.25, 1, 2.25, 1, 15.5 आएगा। ठीक है, सिग्मा डी स्क्वायर। ठीक है, आर का फॉर्मूला लगाते हैं, एन अपने पास कितना है, 3, 3, 6, 2, 8 कितना बच्चों, 8 कितना, 8 यस, 8 का स्क्वायर -1। ठीक है, गुणा करो, 6 गुणे, चल भाई किलसी राम, 93। क्या हो रहा है ये, ऐसा आंसर पॉसिबल है कभी? नहीं। छः गुणे 15.5, चलना भाई कैलसी राम, 93 सही है। चौसे सॉल्व करो, 4 नहीं आएगा, ये मैंने जल्दबाजी में लिख दिया, तो हड़बड़ी में एक गड़बड़ी है, ये सही बात है। एक माइनस 93, 64 माइनस 63, मतलब 64 गुणे 63, तो 15 क्या होगा, 63 गुणे 8, 504, क्या बात है। तो 93 भागे 504 करो, 0.18, मतलब आंसर कितना आएगा, 1-0.18 मतलब 0.82, इट्स आर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपका बच्चों लास्ट क्वेश्चन बचा है, हमें आईपीएल खेलना रहता है उसमें। ठीक है, इसमें आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो उसमें हमें आईपीएल खेलना है, मतलब जो लास्ट ईयर 5 से ये सब होते हैं ना, उसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईपीएल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला है, निम्न से 5 से फिशर, लास्ट ईयर 5 से फिशर का सूचांक ज्ञात करना है सबका। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट मैं आधा हो सकेगा आधा ही कराऊंगा, बाकी आप लोग पूरा कर लेना, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, वस्तु दे रखा है ABCD, मात्रा को हम लोग दर्शाते हैं क्यों द्वारा। ठीक है, इसमें 2014-15 दिए थे, जो पुराना होता है उसे 0 मानते हैं, जो चालू होता है उसे हम लोग 1 मानते हैं, मतलब आधार वर्ष और चालू वर्ष। तो क्यों दिया है, तो उसे क्यों 0 मानते हैं और ये क्यों 1 है। ठीक है, तो दिया 25 किग्रा में सभी सेम होगा, देखना 25, 15, 10, 8,
यहाँ पे है 32 की ग्राम, 20 की ग्राम, 20 नग, 15, और आपको एक और नीचे ई दिया है। ई की वैल्यू क्या है, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये तो 36 पता चल रहा है लेकिन ई वाला से पता नहीं चल रहा है। ई की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या है आपको दिख रहा है? आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ये, रुक जाओ ये चेक कर लेता हूँ। बुक का ही क्वेश्चन है सर, कहीं बाहर का नहीं है। 30 दिया है, ठीक है। चलो जो प्राइस मूल दिया उसे हम लोग P0 और P1 लिखते हैं, ठीक है। बयालीस अट्ठाईस तीस 20 और 60 क्वेश्चन है यहाँ, और P1 45 30 36 45 30 36 25 और 65। जो पुराना वर्ष होता है हमसे हम लोग 0, जो चालू होता है उसे हम लोग हम P1 द्वारा दर्शाएंगे, मतलब 1 द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। तो पहला हमें लास्ट ईयर और पांच छः का मेन, लास्ट ईयर और पांच छः जरूरी होता है। तो देखो आप लोग सिंपल याद रखना, हम लोग 1101 बनाएंगे पहला, ठीक है, और एक 1101 है। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। देखो मतलब हमें 1000 और 1101 दो ध्यान रखना, ठीक है। 1000 होगा और आपका 1101 होगा, तो मतलब देखो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हो रहा है भाई, क्यों कट रहे हो 36। 1000 मतलब पी क्यू, चार बार हमें लिखना है पी क्यू, क्योंकि दो निकालना है ना हमें, इसलिए पी क्यू और पी क्यू, ठीक है, पी क्यू। अब क्या करना है हमें, 1000 मतलब 1000, ठीक है। अब यहाँ 1101 मतलब 1101, ठीक है। तो समझे हम लोग इसलिए लगा रहे थे क्योंकि चलो मल्टीप्लाई करना है आपका, सब गुणे का खेल आ गया है, बाकी आप लोग सब कर सकते हो। चलो मैं पहले यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ आपके लिए। लास्ट ईयर का फॉर्मूला जानते हो क्या था बच्चों, सिग्मा P1 मतलब 1000 है, ठीक है, PQ सिग्मा PQ मतलब 1000 1000 गुणे 100, ये लास्ट ईयर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद अपने होते पाँच छः, ठीक है, पाँच छः का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऐसा लिखने का PQ गुणे 100, 5/6 का 1101 होता है, ठीक है। इसके बाद आपके फिसर भाई आते हैं, वो इन दोनों का क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, मतलब लास्ट ईयर गुणे 5/6, ठीक है, IPL हो गया एक प्रकार से। चलो सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करो P0 Q0,
P0 Q0 25 42 सब कैसे गुणा करते जाओ जल्दी जल्दी 25 42 1050 कहाँ पे आ गया सॉरी P1 Q0 P1 ये रहा Q0 ये रहा उल्टा कर दिया 25 एंड 45 1125 बच्चों अब मैं आप लोग को इसे बता दे रहा हूँ आप लोग पूरा कर लेना ठीक है बहुत कैल्सी मेरी बहुत ख़राब है इसलिए पूरा नहीं कर सकता मैं P1 ये रहा Q0 ये रहा ठीक है फिर है आपका 15 × 30 450 36 × 10 चलो निकालते डायरेक्ट 36 × 360 ठीक है 25 × 8 कितना होता है 200 होता है और कितना होता है 65 × 30 1950 ठीक है अब P0 Q0 2542 1050 15 × 28 420 ठीक है 15 × 28 10 × 30 300 20 × 8 160 ठीक है 6 × 3 = 1800 ठीक है P1 Q1 42 32 600 P1 Q1 3 × Q1 720 P1 Q1 कितना होगा 15 × 25 375 ठीक है फिर P1 Q1 36 × 65 40 ठीक है अब P0 Q1 P0 Q1 32 × 42 1344 28 × 56 ये क्या है P0 Q1 ना P0 Q1 28 × 56 3 × 600 आजू बाजू में 15 × 30 36 × 60 21 × 60 ठीक है अब आप एक काम करना इन सब का टोटल निकाल के सब सोल्व कर लेना ठीक है आपको मैं मतलब सब का टोटल करके जो वैल्यू याद रखना आंसर निकाल लेना ठीक है तो आपका ये अध्याय समाप्त होता है मतलब असाइनमेंट वगैरह आपका कंप्लीट होता है अकाउंट का आप इसे अच्छे से सॉल्यूशन करके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं एग्जाम में सो बेस्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड बी मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग थैंक यू